साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। भाई आज बात करेंगे दुबई वीए से रिलेटेड, अबू धाबी से रिलेटेड हम बात करेंगे। गवर्नमेंट ने कुछ से एडवाइजरी जारी की है, वो आप लोगों से साथ बातें शेयर करना जरूरी है, उसमें आपका फायदा ही फायदा है, मुझे नहीं लगता नुकसान है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो देख के चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। तो भाई देखिए शुरुआत करते हैं। शारजा स्टेट ने अच्छा कदम उठाते हुए वहाँ के जो भी लॉकडाउन था उसको हटा दिया गया है। लगभग लॉकडाउन हट चुका है, पूरा नहीं हटा, लगभग हट चुका है, जिनमें आपको शॉपिंग मॉल, दुकान, शॉप वगैरह और खास तौर से भाई जो सेविंग करने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को वो आ रही थी, तो वो अपने लिए इंडिया में भी भाई सेविंग की व्यवस्था अभी तक नहीं है, लेकिन शारजा गवर्नमेंट ने कर दी, बहुत आपके लिए अच्छी न्यूज आई। दूसरी न्यूज निकल के आ रही है साथ, शारजा में जितने भी फाइन थे, किसी भी प्रकार के फाइन थे, उसको घटा के 50% कर दिया गया है। और भाई गल्फ कंट्री फाइन वसूलने में एक नंबर है, तभी पैसा है उनके पास। एयरपोर्ट पे भी आ रहे हो ना, ओमान अभी आएंगे ना, ओमान से लोग सबसे पैसा वसूलेगा, जितना भी उनका फाइन है ऐसे एयरपोर्ट पे जाने नहीं देगा वो। तो अभी आपका मौका है, अगर आपके किसी प्रकार का कोई फाइन है तो उसको भर दीजिए, आधे पैसे में काम पड़ जाएगा, 50% डिस्काउंट में अभी चल रहा है। इंडिया का पता ही है भाई, लॉकडाउन बढ़ा के 17 मई तक कर दिया गया है, 3 का था, लेकिन कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट को सख्त कदम उठाते हुए 14 दिन के लिए लॉकडाउन और कर दिया गया। हालांकि थोड़ी बहुत नॉर्मली छूट मिली है आने जाने में, बाकी ज़्यादा कोई है नहीं। एक यार देखिए, दुबई में जो वर्कर हैं उनके लिए बेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया, ये बहुत बेस्ट न्यूज़ है। उसमें कंडीशन कंपनी को यही होगी कि जो भी वर्कर हैं वो जहाँ पर वो साइड है, जहाँ पर कंपनी है, वहीं उनके पास उनको रखना होगा, मास्क वगैरह वो देना होगा। नॉर्मल सी शर्त है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है कि भाई जहाँ काम है वहीं आप रहोगे तो आपके लिए भी सहूलियत होगी। तो भाई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी लोग वहाँ बैठे हैं दुबई में, भाई 80% वही हैं, तो आपके लिए बेस्ट न्यूज़ है। इंडिया आने की सोच रहे हैं तो ना आए, वहीं पे सेटल होने की सोचे, फ़ायदे में रहोगे। एक बेस्ट न्यूज़ वर्कर्स के लिए ये भी है, यूएई दुबई अबूधाबी लेबर कोर्ट ने एक अच्छा फैसला सुनाया है कि आपका मान लीजिए किसी कंपनी ने 2, 3, 4, 6 महीने तक का जितना भी आपकी कोई तनख्वाह है नहीं दी है, देने के पीछे रीज़न है कि वो आपको मतलब देना नहीं चाहती, चक्कर कटवा रही है, दादागिरी कर रही है, धमका रही है कि हम आपको निकाल देंगे, तो भाई आप यूएई का जो लेबर लॉ है उसमें कॉन्टैक्ट करें, उनमें मेल करें, 100% आपका 3 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट न्यूज़ है। और मैं यार दुबई को, यूएई को बहुत अच्छी कंट्री मानता हूँ, मैं पूरे दिन ऑनलाइन रह के इसी चक्कर में देखता रहता हूँ कौन सी कंट्री, लेकिन जितने स्टेप दुबई गवर्नमेंट उठा रही है, अबू धाबी गवर्नमेंट, वो ऐसी कंट्री मैंने नहीं देखी। मतलब लेबर ला के हिसाब से भी बहुत बेस्ट है, जितनी हो सकता है वो करने की कोशिश कर रही है। बाकी भाई एक दो तो बंदे ऐसे मिल ही जाएंगे जो नीचे कमेंट करते हैं हम तो मर गए, ये हो गया, वो हो गया, वो तो चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेबर लॉ वाला बहुत अच्छा ऑप्शन गवर्नमेंट ने आपको दिया है। लेबर लॉ जो भी आप वहाँ का कोर्ट है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम कंपनी से रिलेटेड है तो आप बाकायदा वहाँ पे शिकायत करें, विद इन 3 डेज आफ्टर आपका 100% समाधान हो जाएगा। तो ये वर्कर हित में बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और कोशिश करें कि भाई दुबई जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, मई के अंदर पूरा सिस्टम रूटीन में आ जाएगा। दुबई सख्त फैसला लेने वालों में है, जल्द वो स्टार्ट कर देगी। वीज़ा भी उन्होंने घोषणा कर दी है कि भाई जुलाई तक हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे। बाकी कोई भी कंट्री ने ये नहीं बोला है कि हम वीज़ा वगैरह दोबारा से रिस्टार्ट कर देंगे। लोग तो प्रतिबंध लगाने की सोच रहे हैं, ओमान वगैरह वो बोल रहे हैं कि करेंगे 2020 में, कुछ नहीं होने वाला। कुवैत भी बोल रहा है, लेकिन दुबई बोल रहे हैं कि हम 2 महीने में, यानी ये महीना चल रहा है, अगला महीना बाकी है, अगले महीने में दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। इंडिया आने की न सोच के वहां सेटल होने की सोचे, ताकि आपके घर वाले भी सुख रहें और आपको भी, आप भी सेट हो जाएं, आपका जो लाखों रुपये खर्च हुआ है वो भी आपका बच जाए। तो मेरे हिसाब से आपके लिए जो भी जितने भी न्यूज़ बताई हैं बेस्ट हैं, कोशिश करें सेट होने की, वीज़ा लगवाने की, जॉब लगाने की। ठीक है साथियों, आगे जैसे कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ज़रूर। अच्छा एक मैं बात बता दूं आपको लास्ट में कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से टिकट्स का फाइनल हो चुका है। आज की लेटेस्ट न्यूज़ है कि नेवी ने पूरी तैयारी कर ली है। नेवी जो 14 एयरफोर्स जो हवाई जहाज खड़े हैं समुद्र में, आज जैसे गवर्नमेंट के आदेश होंगे खाड़ी देशों में पहुँच जाएंगे। आज की न्यूज़ लेटेस्ट बता रहा हूँ, 2 तारीख की पहले न्यूज़ नहीं बता रहा हूं। गवर्नमेंट ने अपने अंदर पे पूरी तैयारी अपने अंडर में कर रखी है, अभी शायद कल फैसला हो जाना है उसका, 3 तारीख का। ठीक है साथियों, जानकारी जितनी थी मैंने दे दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।